यूपी के गोरखपुर में पुलिस की पिटाई से हुई मनीष गुप्ता की मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। गोरखपुर के तारामंडल इलाके में कृष्णा पैलेस होटल में कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता की हत्या हुई। इस हत्याकांड के मामले में अब गोरखपुर के डीएम और एसएसपी समेत संबंधित थाने के पुलिस स्टाफ के खिलाफ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी एनएचआरसी में शिकायत भेजी गई है। रामपुर के आरटीआई एक्टिविस्ट दानिश खान ने आयोग में शिकायत दर्ज करने के लिए एप्लीकेशन भेजी है। रामपुर के नादरबाग मढ़िया इलाके में रहने वाले आरटीआई एक्टिविस्ट दानिश खान ने इस बारे में एनएचआरसी को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि गोरखपुर के इस चर्चित हत्याकांड में पुलिस लीपापोती की कोशिश कर रही है, जबकि मनीष गुप्ता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने उसकी झूठी कहानी की पोल खोल कर रख दी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि मनीष के सिर, चेहरे और शरीर पर गंभीर चोटों के निशान हैं। मनीष के सिर के अगले हिस्से पर तेज वार किया गया था, जिससे उनके नाक के पास से खून बह रहा था। हालांकि पुलिस ने इस घटना के बाद अपने पहले बयान में इसे हादसे में हुई मौत बताया था। दानिश खान ने डीएम, एसएसपी और संबंधित थाना पुलिस पर कार्रवाई की मांग की है। इससे पहले गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानपुर पुलिस लाइन में प्रॉपर्टी डीलर मनीष गुप्ता की पत्नी मीनाक्षी से मुलाकात की। सीएम योगी ने मीनाक्षी की नौकरी, मुआवजा और गोरखपुर से कानपुर केस ट्रांसफर कराने की मांग मान ली है। सीएम योगी ने मनीष गुप्ता की पत्नी को कानपुर विकास प्राधिकरण में ओएसडी की नौकरी देने और राहत राशि 10 लाख से बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन से प्रस्ताव देने को कहा है। मनीष गुप्ता के परिवार ने मामले की सीबीआई जांच कराने की भी मांग रखी है। सीएम ने इस पर भी आश्वासन देते हुए कहा कि जांच के बारे में भी जो कुछ होगा वो किया जाएगा। सीएम योगी ने कहा कि गोरखपुर में हुई घटना बेहद शर्मनाक है। मैंने कल ही पीड़ित परिवार से मिलने की इच्छा जताई थी। अपराध और अपराधियों के प्रति हमारी पॉलिसी जीरो टॉलरेंस की है। कोई अपराधी बख्शा नहीं जाएगा। सीएम ने कहा, पीड़ित परिवार जैसी जांच चाहेगा वैसी जांच सरकार करवाने को तैयार है। अगर परिवार सीबीआई जांच चाहता है तो सीबीआई को जांच के लिए प्रेषित किया जाएगा। अगर परिवार कानपुर पुलिस से जांच चाहता है तो कानपुर पुलिस को जांच के लिए कहा जाएगा। इस खबर पर अपनी राय जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें TV9 डिजिटल। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, दो गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।